की फिल्में नहीं देख पाए हैं अब तक उनके हस्बैंड श्रीराम माधव ने। ये जानकर लोग हैरान हो जाते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? और ऐसा है भी तो क्यों है? बॉलीवुड की धक धक गर्ल है माधुरी दीक्षित, और धक धक गर्ल की फिल्में धक धक गर्ल के किंग यानी कि श्रीराम माधव ने नहीं देखी है। कई फिल्में उनकी ऐसी हैं जो नहीं देखी है श्रीराम माधव ने। क्यों आखिर ऐसा है? और इस बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि ऐसा कुछ सामने नहीं आया था सच जब तक खुद माधुरी के हस्बैंड श्रीराम माधव ने नहीं बताया था। दरअसल उनकी मॉम कंफर्टेबल नहीं है फैमिली के साथ फिल्में देखने में, और माधुरी भी इसी कारण से, क्योंकि जितनी बोल रही है माधुरी दीक्षित फिल्मों में पर्दे पर अपने हस्बैंड और बच्चे के सामने ओल्ड फिल्मों को लेकर कंफर्टेबल नहीं रही हैं। आज उन्हें रिग्रेट भी होता है इसे लेकर, तो इसलिए माधुरी दीक्षित की फिल्मों को लेकर चूसी रहे हैं। और श्रीराम माधव ने फिल्में देखकर बड़े नहीं हुए, बहुत अलग उनकी परवरिश हुई। पाकीज़ा और अमर अकबर एंथोनी ये दो फिल्में उन्होंने देखी थी, इसके अलावा फिल्में बॉलीवुड वो नहीं देखते थे। इसी कारण से उनकी लाइफस्टाइल अपनी वाइफी से बहुत ज़्यादा अलग रही है। ये बात खुद श्रीराम माधव ने अपनी वाइफी के सामने स्वीकार किया था, और उन्होंने बताया था कि हाँ, ये सच है कि उन्होंने अपनी वाइफी की फिल्में नहीं देखी हैं, और इसका उन्हें गम भी नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि धक धक गर्ल जैसी फिल्मों में रही है खूबसूरत, रियल लाइफ में उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत, और फिल्मों से पर्दे की ज़िंदगी, पर्दे के पीछे की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। इस बात को वो स्वीकार करते हैं। यही कहना है माधुरी दीक्षित के हस्बैंड श्रीराम माधव ने का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। 9